agire for Yuri! Men that they fought last night. सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मौज काट रहे होंगे। तो यारो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 5 हॉलीवुड मूवीज का काउंटडाउन, जो कि फिर से हिंदी डब में होने के साथ में यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। ये क्लॉक नहीं है। मेरा नाम कारा है, लड़ने में मदद करूंगी। इंटरेस्टिंग टीम है, मदद चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है टॉप 5 हॉलीवुड की मूवीज, जो कि एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हॉरर, थ्रिलर सभी जॉनरास की होने वाली है। और ये सभी मूवीज आपको कहां पर मिलेगी ये मैं वीडियो के बीच में बता ही दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे काउंटडाउन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो सबसे पहले नंबर 5 पर आती है एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन। साल 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन और एडवेंचर पर बेस्ड मूवी है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 7.3 की आउट ऑफ 10। मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे आयरन मैन की, यानी कि हमारे टोनी स्टार की, जो कि एक काफी तगड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को तैयार करता है, जिसका नाम होता है अल्ट्रॉन। लेकिन आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि अल्ट्रॉन अपने आप से ही दुनिया को खत्म करने की सोच लेता है और एक बहुत बड़ा विलन बन जाता है। और अब सारे एवेंजर्स अल्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करते हैं। आगे क्या कुछ होता है आपको मूवी में देखना होगा। मेरे हिसाब से आपने ये मूवी देख ली होगी, लेकिन फिर से देखना चाहते हो तो अभी ये यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी देख लो। ये सभी मूवीज अनऑफिशियली अपलोड की जाती है, तो कभी भी डिलीट हो सकती है। तो चलिए इसके बाद में नंबर 4 पर आती है राइड ऑन। साल 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन और कॉमेडी पर बेस्ड मूवी है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 7.1 की आउट ऑफ 10। मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है लियो नाम के एक आदमी की, जो कि एक स्टंटमैन होता है। और लियो के पास में अपना एक प्यारा सा घोड़ा भी होता है, जिससे वह काफी ज्यादा प्यार करता है, और उसी की तरह उसका घोड़ा भी उसकी स्टंट करने में मदद करता है। लेकिन लियो को काफी सारे पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए उसने कर्ज ले रखा होता है। और अब कर्ज वसूलने जो लोग आते हैं वो उसके घोड़े को उठाकर ले जाते हैं, और अब उसे अपने घोड़े को फिर से लाने के लिए काफी ज्यादा पैसों का इंतजाम करना होगा, जो कि इतना आसान नहीं होता, ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब देखना ये होगा कि क्या लियो इतने पैसों का इंतजाम कर पाता है या नहीं, क्या ये अपने घोड़े को वापस ला पाता है या नहीं। और इसके बाद में नंबर 3 पर आती है अनरीचेबल। साल 2008 में रिलीज हुई एक थ्रिलर ड्रामा पर बेस्ट मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक सीरियल किलर की, जो कि लोगों को काफी ज्यादा बेरहमी से मार रहा होता है, और मारते वक्त उनका लाइव वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर रहा होता है। इसी वजह से शहर के लोगों के अंदर उस किलर को लेकर काफी ज्यादा खौफ होता है और काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। और उसी बीच में हमें दिखाया जाता है जेनिफर मास नाम की एक FBI एजेंट को, जिसे ये काम दिया जाता है कि उसे किसी भी तरह उस सीरियल किलर की आइडेंटिटी को पता लगाना होगा। लेकिन आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि जेनिफर भी उसी सीरियल किलर की चपेट में आने वाली होती है। अब देखना यह होगा कि क्या वो सीरियल किलर जेनिफर को मार देता है या जेनिफर उसका पर्दाफाश कर देती है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 की, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इन सभी मूवीज के लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जहाँ से आप इन सबको यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मूवीज को डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो हमारे दूसरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पर आती है टॉम राइडर लारा क्राफ्ट। साल 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर की मूवी है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 6.3 की आउट ऑफ 10। मूवी के अंदर हमें लारा क्राफ्ट को दिखाया जाता है, जो कि अपने पिता को ढूंढना चाहती है, जो कि काफी सालों से मिसिंग है। और अब वह अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाती है कुछ मैप्स को लेकर एडवेंचर के लिए। लेकिन ऐसे में वह काफी ज्यादा बड़ी मुसीबतों में फंस जाती है, और आगे चलकर उसे पता चलता है कि अब दुनिया को बचाने और दुनिया की इंसानियत को बचाने के लिए उसका काफी बड़ा रोल होने वाला है। आगे चलकर उसे अपने पिता के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। अब देखना यह होगा कि क्या वह अपने पिता को ढूंढ पाएगी और क्या वह दुनिया को इंसानियत को बचा पाएगी या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 की, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 की, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक लाइक से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आती है साल 2023 में रिसेंटली रिलीज हुई मूवी फ्लैश। ये एक फैंटेसी एक्शन पर बेस्ड DC की एक काफी कमाल की मूवी है। हालांकि ये इतनी ज्यादा नहीं चली है, लेकिन ये एक वन टाइम वॉच मूवी तो है।
है। मूवी के अंदर हमें फ्लैश को दिखाया जाता है जो कि टाइम ट्रेवल करता है और मल्टीवर्स में चला जाता है ताकि वह अपनी माँ को बचा सके और साथ ही में कई सारी हकीकत को भी बदल सके ताकि आगे चलकर उसे कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन वह बहुत गड़बड़ कर देता है और काफी बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाता है। अब वो उन मुसीबतों से निकल पाता है और सब कुछ ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको इस मूवी को देखना होगा। ये मूवी काफी शानदार है और आपको एक बार तो इसको जरूर देखना चाहिए। तो यार यही थी आज की टॉप 5 मूवीज जो कि हिंदी डब में होने के साथ में YouTube पर फ्री में अवेलेबल है। आपने इनमें से कौन सी मूवी को ऑलरेडी देख रखा है और आपको कौन सी मूवी अच्छी लगी है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप नीचे दी गई इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।